Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का जो हमारा session है वो articles पर based है और इस session में हम theory plus practice दोनों एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है articles में आपको सिर्फ ये याद रखना होता है कि कहाँ आपको the use करना है, कहाँ आपको a या फिर an use करना है. तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए हम अगर इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू करें तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिमेम्बर. अदरवाइज क्या होता है कि आप चीज़ों को ग्रैप नहीं कर पाते, उनको भूल जाते हो. अगर आप रूल्स के थ्रू करोगे, एक बार सारा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे आपका दा यूज होगा, कहाँ पे आपका आ यूज होगा, कहाँ पे एन होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू कर देंगे. तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको आप DSSSB की अपडेट्स के लिए प्लस वीडियो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. तो पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं. आर्टिकल दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकंड वन इज इनडेफिनेट. डेफिनेट मीन्स निश्चित, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित. निश्चित. तो डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा होता है, द. इनडेफिनेटिव ए एन एन, ये क्या होते हैं आपके, इनडेफिनेटिव होते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ होता है, जहां पर आप चीजों को स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए आप क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. जहां पे आपकी जो चीजें होती है जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है, नोन होती है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, द. इनडेफिनेटिव जहां पर चीजें अननोन होंगी, चीजें रैंडम चीजों के लिए आप क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेटिव. इनडेफिनेटिव आर्टिकल्स आपके दो होते हैं, ए एंड एन. इनका जो यूज होता है वो हम वोवल साउंड पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ आप वो ए का यूज करेंगे, कहाँ आप एन का यूज करेंगे. जहाँ आपको वोवल साउंड मिलती है वहाँ आप एन का यूज करेंगे, और जहाँ पर कंसोनेंट साउंड मिलती है वहाँ अ का यूज करेंगे. वोवल की साउंड आपकी ए आई ई ओ यू, हिंदी में अ आ ई ई ऊ ओ, ये सब क्या है आपकी वोवल्स की साउंड है. तो ये जहां भी आपको ये साउंड मिलती है वहां आप क्या यूज करेंगे, एन. और जहां भी आपको कंसोनेंट की साउंड मिलती है वहां आप क्या यूज करेंगे, आ. एग्जाम्पल देखते हैं. अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, एयर. तो ये तीन वर्ड्स हैं. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आपको क्या मिल रहा है, आ. लेटर आपके पास यू है, बट आपको लेटर नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है. साउंड किसकी है, आ की. आ क्या है हमारा, वोवल साउंड है. तो वोवल साउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन. नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आपकी साउंड क्या है, य. तो यू की जो साउंड है वो आपकी वोवल नहीं है, वो आपकी कंसोनेंट साउंड है. तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, आ. एयर, एयर क्या है आपका, एयर में जो अ की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, वो क्या है आपकी, वोवल साउंड है. तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, एन. इसको हम नॉर्मली हियर पढ़ते हैं, बट इज नॉट हियर, इट्स एयर, एयर. तो यहाँ जो एयर का मीनिंग है वो है आपका उत्तराधिकारी. तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स. अब इनके यूज देखते हैं कहाँ होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल आपका सिंगुलर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. ये कहाँ यूज होगा, सिंगुलर और काउंट प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, जो आपकी काउंटेबल नाउंस होती है, जैसे गर्ल एंड गर्ल्स. इनको आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4. तो इन दोनों की फॉर्म्स के साथ, गर्ल और गर्ल्स दोनों के साथ आप क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का. वहीं जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, जैसे आपकी गर्ल. यहाँ सिर्फ आप गर्ल के साथ आ या एन का यूज कर सकते हैं. गर्ल क्या है आपका, कंसोनेंट साउंड है, तो क्या यूज होगा, अ. तो यहाँ पे सिर्फ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज कर सकते हैं, और यहाँ आप सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ दा का यूज कर सकते हैं. इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं.
आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउंस के साथ, जैसे आप द वॉटर नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ वॉटर बोलते हैं। इनकी एक एक्सेप्शन होती है जहाँ इनका यूज होता है जब आप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे आप अगर बात करें द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो आप एक स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंट्री की गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, द यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ आप द का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द का यूज़ नहीं होता है। तो ये तो था आपका बेसिक। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट वन इज, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर 2022। तो यहाँ जो आप कह रहे थे वो डी पार्ट में है, डी पार्ट में आपको ईयर स्पेसिफाई किया हुआ है, कौन सा ईयर की बात में बात हो रही है, 2022 के बारे में, किसी भी रैंडम ईयर के बारे में बात नहीं हो रही है, 2022 एक स्पेसिफाइड ईयर के बात में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर ईयर के बात में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ के प्लेस पे द का यूज होगा। तो आपका एरर क्या था, आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना था इनडेफिनेट आर्टिकल की प्लेस पे। नेक्स्ट वन, द इंडियन इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। इंडिया क्या है, आपका कंट्री का नेम है, कंट्री के नेम के आगे आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये आपका जो दा है कि यहाँ रोंग हो जाता है और इसको आप रिमूव करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या रहेगा, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो आप कभी भी कंट्री नेम के आगे या सिटी नेम के आगे कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज होता है, कुछ हमारी एक्सेप्शन होती है, जैसे जो यूनाइटेड होते हैं, जैसे जो ग्रुप होती है डिफरेंट कंट्रीज का या स्टेट्स का, वहां पे क्या यूज करते हैं, आप दा यूज करते हैं, जैसे आपका यूके एंड यूएस, इनके आगे आप क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल, यहाँ आप द का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप है स्टेट्स का, डिफरेंट कंट्रीज का, जैसे यूएस आपका 50 स्टेट्स का ग्रुप है, ये यूनाइटेड ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ आप द का यूज करेंगे। इंडिया की भी एक सिटी है पंजाब, यस, जो हमारा स्टेट है पंजाब, वहां आप क्या करेंगे, वहां आप द का यूज करेंगे, क्योंकि पंजाब क्या है, इसको संगम, यहाँ पे नदियों का संगम था, तो इसको एक यूनाइटेड जो है स्टेट माना गया था, तो इसके लिए आप पंजाब के आगे द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप द यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्री के नेम के आगे या सिटी के नेम के आगे या स्टेट के नेम के आगे किसी के भी आगे आप द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, 20 फैमिलीज वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम अ ओल्ड बिल्डिंग बिफोर द मानसून। तो यहाँ पे जो आपका एरर है सी पार्ट में है, सी पार्ट में आपको ओल्ड वर्ड दिख रहा है, ओल्ड क्या है, ओ साउंड क्या है, वोवल साउंड, तो ओ के आगे आप आ यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, ओ के आगे आप क्या यूज करेंगे, एन, यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज होगा आपका, एन, तो ओ आ ई ऊ, इन सारी वोवल साउंड के आगे आप क्या यूज करते हैं, एन। नेक्स्ट वन, अमिडस्ट द टाइटनिंग COVID-19 लॉकडाउन, अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिनेरियो इज अज्यूम टू बी डायर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो यहाँ जो आपका एरर है वो आपका कहाँ है, वो आपका बी पार्ट में है, बी पार्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाई हो रहा है, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम एक स्पेसिफाई एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, जब हम चीजों को स्पेसिफिक बनाते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे अ के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, द, तो आपका अ के प्लेस पे क्या आएगा, द। वर्ड देखते हैं डायर, डायर क्या होता है, डायर होता है आपका वेरी सीरियस, मीन्स ज़्यादा ही गंभीर या फिर नुकसानदायक, जो हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर सेंस में हम डायर को यूज़ करते हैं, तो ये था आपका आ के प्लेस पे क्या यूज होगा, द। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू नियरेस्ट हाउस फॉर शेल्टर। तो यहाँ जो आपका एरर है वो कहाँ है, सी पार्ट में, C
सी पार्ट में क्या एरर है, आपको नियरेस्ट वर्ड मिल रहा है। नियरेस्ट वर्ड क्या है, नियरेस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है आपकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अगर हम नियर की बात करें तो नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव है, ये आपकी पॉजिटिव है। तो जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी उसके आगे आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है। ये आपका एक रूल है कि जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी वहां आपको द का यूज करना है। हमारी कंपैरेटिव के दो केसेस होते हैं जिनमें हम द का यूज करेंगे, जिनको हम आगे देखेंगे। अदरवाइज हम कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं करते, सिर्फ दो केसेस में करते हैं। सुपरलेटिव के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, द एलिफेंट इज स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। तो यहाँ भी आपका सेम एरर है, बी पार्ट में एरर है। स्ट्रोंगेस्ट क्या है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रोंगेस्ट से पहले द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो यहाँ क्या है, एक स्पेसिफिक ट्रूथ की बात हो रही है, जो ट्रूथ उन्हें पता चला। तो किसी ट्रूथ को पर्टिकुलर कर रहे हैं, किसी ट्रूथ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं कि एक जो सच था, जो सच उन्हें पता था उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने सच जानने के बाद क्या किया, राइट डिसीजन लिया। तो किसी मैटर से रिलेटेड सच की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये जनरल ट्रूथ तो नहीं है, उनका सच है जो उनको पता चला। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी द पर्सन इज सन ऑफ जियस, गॉड ऑफ द स्काई। तो यहाँ जो आपका एरर है बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको पर्सन, ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन है ये मैंने आपको नाउन की वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर नाउन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एक इंडिविजुअल का नाम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। इसके लिए भी एक्सेप्शन होती है, कभी भी आपको प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं करना है, बट एक्सेप्शन है, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे ही इज द कालिदास ऑफ इंडिया। क्या किया है यहाँ पे, यहाँ पे आपने इसको कॉमन नाउन बना दिया है। जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन द प्लस प्रॉपर नाउन आपका क्या बनता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं कि उसको कालिदास की तरह देख रहे हैं। उसको क्या किया आपने, कालिदास का टाइटल दे दिया है, आपने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया है, कालिदास को एक टैग बना दिया है, एक टाइटल बना दिया है। तो वहां आप क्या यूज करेंगे, वहां हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज कर सकते हैं। जहां आपको द जो प्रॉपर नाउन है एज अ कॉमन नाउन यूज होने लग जाए, वहां आप क्या करते हैं, कालिदास का द का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कालिदास से पहले किया है। एक और केस आता है जहां हम प्रॉपर नाउन से पहले आ का यूज करते हैं, ही इज अ कालिदास। यहाँ पे आप कॉमन नाउन की तरह कालिदास को यूज कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वहां पे आप किसी प्लेस से रिलेट कर रहे हैं, वहां पे ऑफ का यूज हुआ है, उसको पजेसिव केस भी यूज कर रहे हैं। पजेसिव केस में आप उसको यूज कर रहे हैं, किसी से जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली सिर्फ प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, तो वहां आप क्या यूज करेंगे, आ। इसकी बात कर लेते हैं, ही इज अ कालिदास। तो क्या होता है, जैसे कालिदास है, आपको कोई आपकी लोकेलिटी में या फिर आपके नेबरहुड में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कालिदास की तरह लगता है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज अ कालिदास, वो
मीन्स जैसे कालिदास थे उनकी क्वालिटीज है उसमें, आपको वही लगता है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज अ कालिदास। ऐसे ही आप दूसरे प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही पर्सन मिल गया, तो आप उसको भी बोल सकते हैं ही इज अ कालिदास। आपने क्या किया, कालिदास को एक कॉमन नाउन, एक क्लास बना दिया, तो वहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ आप आ का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये दो केसेज हैं जहाँ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली एंग्रोस्ड इन मैड परस्यूट ऑफ मेटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। यहाँ जो आपका एरर है वो आपका सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है, हमारा एक रूल होता है नाउन ऑफ नाउन। जब भी आपको ये फॉर्म मिलती है तो आप हमेशा फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैड परस्यूट नाउन ऑफ नाउन मैटेरियल प्लेजर्स। मैटेरियल प्लेजर्स ये कंप्लीट आपका नाउन है, मैटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। मैटेरियल क्या है, मैटेरियल आपका एडजेक्टिव है बट ये कंप्लीट आपका नाउन की सेंस दे रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, नाउन ऑफ नाउन का रूल फॉलो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैट से पहले द का यूज करेंगे। याद रखना है जब भी आपको नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म मिलेगी तो वहां पे आपको फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज करना है। एक और चीज, मैन मैन वुमेन चिल्ड्रन, इन सब के आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब भी आप इनको एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप बोले चिल्ड्रन आर स्वीट, चिल्ड्रन आर स्वीट, देन यू कांट से द चिल्ड्रन आर स्वीट और आर चिल्ड्रन इज स्वीट। मीन्स चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप द चिल्ड्रन आर स्वीट ये नहीं बोल सकते हैं, आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इनको अगर आप क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और जो रूल था हमारा वो क्या था, नाउन ऑफ नाउन का केस मिलता है तो फर्स्ट नाउन के आगे आप द का यूज करेंगे। एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड क्या होता है, डूब जाना, किसी चीज में पूरा विलीन हो जाना, तो वो क्या होता है आपका एनग्रोस्ड। नेक्स्ट वन, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो आपका जो एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका, आपके दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कार्डिनल, सेकेंड वन इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कार्डिनल वन टू थ्री। तो जब भी आपके पास ऑर्डिनल वाला केस होगा तो आप हमेशा द का यूज करेंगे, द फर्स्ट द सेकेंड द थर्ड द फोर्थ, आप आ का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आ का यूज रॉन्ग हो जाता है, आगे प्लेस पे आप क्या यूज करेंगे, द। तो आपका क्या यूज होगा, द, द फर्स्ट स्टेप। तो याद रखना है ऑर्डिनल जो आपके नंबर्स होंगे उनके साथ हमेशा द का यूज होगा। नेक्स्ट वन, यूएस डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको यूएस मिल रहा है, तो यूएस क्या है, अभी हमने पीछे बात की कि कंट्री के नाम के आगे आप द का यूज नहीं करते हैं, बट जहाँ आपका यूनाइटेड सेंस आती है, जहाँ आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हो, यूनाइटेड कंट्रीज की बात करते हो, वहाँ आप क्या यूज करते हो, द यूज करते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर द यूके, इनके आप ये आप क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। नेक्स्ट वन, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। यहाँ जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में आपको वाटर दिख रहा है, वाटर क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी मैंने जब बेसिक पढ़ाया तो मैंने आपको बताया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो ये द आपका रिमूव होगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो द रिमूव होगा, सी पार्ट में एरर है, अनकाउंटेबल के साथ आप द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, इट्स ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। क्या होता है कि
एक तो रैंडम केसेस होते हैं, एक आपके स्पेसिफिक केसेस होते हैं, एक आपके जनरल केसेस होते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स जब आप देते हैं तो वहाँ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, या आपका बी पार्ट में एरर है। वोर क्या है, यहाँ पे जो जनरल स्टेटमेंट हो रही है कि इट्स ओनली आफ्टर वोर, वोर के बाद ही पीपल रियलाइज़ करते हैं कि वो कितनी बुरी थी, उसके परिणाम कितने बुरे थे, ये सिर्फ वोर के युद्ध के बाद रियलाइज़ होता है। तो यहाँ एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट में आप दा का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपका यहाँ पे रॉन्ग है। इट्स ओनली आफ्टर वोर इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। तो याद रखना है, जनरल स्टेटमेंट्स में आप दा का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, ऑफ द टू ऑप्शंस दिस इज डेफिनेटली बेटर। अभी मैंने जब आपसे सुपरलेटिव डिग्री की बात की थी तो मैंने कहा था कंपेरेटिव में हमारे दो केसेस होते हैं जहां हम दा का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन आपका क्या होता है, जब भी आपके पास ऑफ द टू होता है और इसके साथ पहले या बाद में कभी भी अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ करेंगे, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो आपका एरर कहाँ है, डी पार्ट में है। ऑफ द टू ऑप्शंस दिस इज डेफिनेटली द बेटर, यहाँ द से पहले क्या आएगा, बेटर से पहले क्या आएगा आपका द। यहाँ बेटर से पहले आपका क्या आएगा, द। तो आपको याद रखना है ऑफ द टू प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगा, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट वन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमिंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में जेल, किसी भी रैंडम जेल की बात हो रही है, किसी भी जेल की बात हो रही है, ऐसे ही कोई जनरल जेल की बात हो रही है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कौन सी जेल की बात हो रही है। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, आप जेल के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, इट विल बी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इट विल बी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमिन टू लीड अ सिंपल लाइफ। तो यहाँ पे जो abandon है, इसका मीनिंग क्या होता है, abandon का जो आपका synonym होता है abdicate, ये synonym होता है, बट इसका मीनिंग होता है, ये कहाँ यूज होता है, जब आप थ्रोन को त्याग देते हो तो उस वर्ड के लिए आप abdicate का यूज करते हो, जब आप अपने राज को या फिर थ्रोन जो तख्त होता है उसको त्याग देते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ देते हो, वहाँ पे आप एबडिकेट का यूज करते हैं त्यागने का। अबेंडन भी क्या होता है आपका, त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, उसने क्या किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ दिया या फिर त्याग दिया। इसके लिए एक और सिनोनिम आता है आपका रिनाउंस, ये क्या है आपके अबेंडन के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे आपका क्या एरर था, ए पार्ट का एरर था, जेल से पहले आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, जर्मनी टूडे इज अ स्टोरी ऑफ रिमार्केबल अचीवमेंट बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ क्वाइट कोऑपरेशन एंड पेन्स टेकिंग टीम वर्क। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपका क्या है, ऑन अ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है आपकी, नाउन, ये आपकी ऑफ एंड क्वाइट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव, तो नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म बन रही है। तो जब भी नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म बनती है आप क्या यूज करते हैं, द। तो आ के प्लेस पे आपका यह यूज होगा द, जब भी आपके पास नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म होगी तो आपको याद रखना हमेशा द का यूज होगा। तो जर्मनी टूडे इज अ स्टोरी ऑफ रिमार्केबल अचीवमेंट बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्वाइट कोऑपरेशन एंड पेन्स टेकिंग टीम वर्क। पेन्स टेकिंग मैंने आपको वोकैब में वर्ड कराया था, जिसका मीनिंग है कोई भी काम एफर्ट्स से करना, सावधानी से पूरी एफर्ट्स लगा के कोई भी काम करना, उसको आप क्या कहते हो, पेन्स टेकिंग, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, केयरफुल वे से आप करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, उस काम को आप क्या कहते हो, पेन्स टेकिंग। एक और वर्ड है आपका यहाँ पे रिमार्केबल, रिमार्केबल के लिए हमने वर्ड यूज किया था अपना नोटेबल, सिग्निफिकेंट, ये क्या थे आपके सिनोनिम्स थे, जहाँ मैंने सिग्निफिकेंट का सिनोनिम आपको रिमार्केबल बताया था। रिमार्केबल जो नोटिस हो जाए इजीली, जो दिखे, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो, तो उनको आप क्या कहते हो, रिमार्केबल, नोटेबल, सिग्निफिकेंट।
तो पेन स्टेकिंग के लिए आपके जो सिनोनिम केयरफुल, ये सिनोनिम होता है बट इसका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है पेन स्टेकिंग का। आप यहाँ पे केयरफुल टीम वर्क नहीं यूज करोगे, आप पेन स्टेकिंग टीम वर्क यूज करोगे। तो यहाँ पे पेन स्टेकिंग क्या हो गया, अच्छे से एफर्ट करना, सावधानी वे में कुछ काम करना, तो वहाँ क्या होता है आपका पेन स्टेकिंग। एरे क्या था, नाउन ऑफ नाउन के आगे आप क्या यूज करते हो, द। नेक्स्ट वन, द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, आपका एक पीक का नाम है, पीक के नाम के आगे आप कभी भी दा का यूज नहीं करते हो। दा का यूज आपके माउंटेन्स के नाम के आगे यूज होता है, माउंटेन रेंजेस के आगे यूज होता है, जैसे दा हिमालयस, दा अल्प्स, ये सब क्या है आपके माउंटेन रेंजेस है, तो इनके आगे आप दा का यूज करोगे, बट किसी भी स्पेसिफिक पीक के आगे आप दा का यूज नहीं करोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो एरर कहाँ है, माउंटेन एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट के आगे आपका दा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द सूनर यू सेंड द फाइल्स इजियर इट विल फॉर मी टू प्रोसेस द रिपोर्ट। तो यहाँ आपका कंपैरेटिव डिग्री का एरर है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब भी आपके पास दो कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों के आगे आपका दा का यूज होता है। द सूनर यू सेंड द फाइल्स द इजियर, यहाँ पे क्या आएगा, द इजियर इट विल फॉर मी टू प्रोसेस द रिपोर्ट। तो यहाँ हमेशा याद रखना है दो कंपैरेटिव डिग्री होगी, दोनों के आगे दा का यूज होगा। द सूनर यू सेंड द फाइल्स द इजियर इट विल फॉर मी टू प्रोसेस द रिपोर्ट। तो ये हमारे कुछ ऐसे चीज़ों के नाम हैं जहाँ पे आपका दा का यूज होता है। तो एपिक्स, एपिक्स से पहले, एपिक्स क्या होती है, जैसे आपकी महाकथाएं, जैसे महाभारत, रामायण, इन सब के आगे आप क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, दा महाभारत, दा रामायण, इन सब के आगे आप दा का यूज करेंगे। रिवर्स के नाम के आगे भी आप दा का यूज करेंगे, द नील, द गंगा, सबके आगे आप दा का यूज करेंगे। ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, इनके नाम के भी आगे आप दा का यूज करते हैं, द पैसिफिक ओशियन। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, जैसे ताजमहल, तो इसके नाम के आगे भी आप दा का यूज करते हैं, द ताजमहल। एक और बात, जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग होती है लेटर की, वो कैपिटल लेटर से होती है, हमेशा याद रखना है प्रॉपर नाउन को आप स्टार्टिंग लेटर कैपिटल में रखते हैं। नेक्स्ट वन, सी, सी जैसे द रेड सी, ये सबके आगे आपके जितने भी आपके यहाँ पे थिंग्स हैं, इन सब के नाम के आगे आप क्या यूज करते हो, दा यूज करते हो। एक और आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसके आगे भी आप क्या यूज करते हो, दा का यूज करते हो, जैसे द अंडमान्स, तो इन सब के आगे आप क्या यूज करोगे, दा का यूज करोगे। बट अगर आप एक आइलैंड की बात कर रहे हो, जैसे जावा, तो इसके आगे आप दा का यूज नहीं करोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, बिकॉज जावा एक पर्टिकुलर आइलैंड की बात हो रही है, और द अंडमान्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आप दा का यूज करोगे। ऐसे ही माउंटेन्स, जैसे माउंटेन रेंजेस की बात होती है तो वहां आप दा का यूज करते हो, जैसे द हिमालयस। बट अगर आप एक पीक की बात कर रहे हो तो वहां आप दा का यूज नहीं करते हो, माउंट एवरेस्ट के साथ आप दा का यूज नहीं करते हो। तो नेक्स्ट वन, ये हमारी जहाँ हमारा आर्टिकल्स यूज नहीं होते, तो लैंग्वेजेस, जैसे आपकी इंग्लिश, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी ना लैंग्वेज का नाम हो, उसके आगे आप दा का यूज नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब आप इनके आगे अगर दा का यूज करते हैं, द इंग्लिश, तो ये किसको डिनोट करता है, ये वहां की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
द इंग्लिश मीनिंग ब्रिटिश. तो आप किसकी बात कर रहे हो? ब्रिटिश की बात कर रहे हो. तो वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के नेटिव पीपल जो भी वहाँ रहते हैं नेटिव, उनकी बात कर रहा है. तो उनको डिनोट करने के लिए आप द इंग्लिश बोल सकते हो. द चाइनीज, तो चाइना के रहने वाले लोगों की बात हो रही है. द इंडियन, तो ये कहाँ की बात हो रही है? इंडिया के रहने वाले लोगों की बात हो रही है. तो कभी भी जब भी आप लैंग्वेज के आगे द का यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ के नेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे. आपकी लैंग्वेज के आगे द का यूज नहीं होता है. इसी तरह मेल्स, मेल्स में आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है. बट कहाँ यूज होता है? जब आप मेल्स के लिए आगे एडजेक्टिव का यूज करते हैं. जैसे आप बोलते हैं ना, अ डिलीशियस डिनर. यहाँ आपने क्या किया है, मील का, डिनर जो आपका मील है उसके आगे आपने एडजेक्टिव का यूज किया है. तो जब भी आप मील्स के नाम के आगे एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वहाँ पे आप आ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप नॉर्मली अगर बोलें डिनर, तो यू कांट से आ डिनर, इट विल बी रोंग, इट विल बी इनकरेक्ट. ये आपका गलत हो जाएगा. आपको क्या बोलना है, अ डिलीशियस डिनर. मीन्स जब भी आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो आप आ का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डिनर को आप सिर्फ डिनर बोलेंगे. यू कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर इट बिकॉज इट विल बी इनकरेक्ट. तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स के यूज. तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.